सो हेलो गाइज, वेलकम करते हैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकर MP40 के रिटर्न कन्फर्म डेट के बारे में। और भाई लोग, आप सभी को पता होगा, हम सभी को कुछ समय पहले ही हम सभी को पोकर MP40 का इंक्यूबेटर रिटर्न में देखने को मिला था। और गाइज, जब ये इंक्यूबेटर रिटर्न में आया था तो भाई इसमें एक न्यू गन को ऐड किया था जो कि था रॉयल। और जब ये इंडियन सर्वर में आया था भाई, इसमें एक अलग ही ग्लिच चल रहा था जो कि वेलो पोकर MP40 3 रिवॉल्यूशन स्टोन और एक ब्लू प्रिंट में दिया जा रहा था। और भाई काफी बंदों ने इसका फायदा उठा के वेलो पोकर MP40 को निकाल लिया था। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि आपसे को पोकर MP40 अब ये इंडियन सर्वर में आपसे को कब तक रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, इसका कंफर्म डेट क्या रहने वाला है। और साथ ही बात करेंगे आज के कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो आपसे को बहुत जल्द गेम में देखने को मिलने वाला है। तो भाई लोग, आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो को ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते। सो मेरे भाई, यहाँ पे सबसे पहला जो अपडेट है जो कि है UMP इंक्यूबेटर का रिटर्न को लेके। और ये जो इंक्यूबेटर है सिंगापुर सर्वर में देखने को मिल चुका है और मे भी आप सभी को इंडियन सर्वर बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। वैसे आप सभी को पता ही होगा कि भाई जो चीज़ सिंगापुर सर्वर में देखने को मिलता है वो कुछ समय के बाद इंडियन सर्वर में देखने को मिल ही जाता है। सो गाइस, ये इंक्यूबेटर इंडियन सर्वर में आए या ना आए, क्योंकि भाई इस इंक्यूबेटर का जो तीसरा गन स्किन है जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये इंक्यूबेटर गन स्किन आप सबको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाला है 23 और 25 मई के बीच। और जैसे आप लोग फ्री फायर मैक्स को अपडेट करोगे, जैसे पैच अपडेट रहा अपडेट करोगे, तो लॉगिन रिवॉर्ड में आपसे को 3 गन स्किन बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। और तीनों में से सिर्फ आप एक सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, एक है M60 का, एक है M4A1 का और एक है UMP का। और भाई काफ़ी बंदे M4 UMP की तरफ जाने वाले, क्योंकि M60 का उतना ज़्यादा यूज कर देने बंदे और M4A1 का जो एट्रीब्यूट्स है उतना अच्छा एट्रीब्यूट्स नहीं है, और UMP का जो काफ़ी बंदे यूज करते हैं और इसका जो एट्रीब्यूट्स है अच्छा भी है, तो भाई लोग काफ़ी बंदे UMP की तरफ जाने वाले। बाकी आप लोग कौन सा गन स्किन सेलेक्ट करो ये मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताएं। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बताया जा रहा है कि OB34 में आप सभी को एक न्यू एनिमेशन इमोट देखने को मिल जाएगा जो कि MVP एनिमेशन के नीचे ऐड होने वाला है सेक्शन में। और इस सेक्शन में आप लोग को एक न्यू इमोट देखने को मिल जाएगा जो कि रहने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन इमोट। और इसमें आप लोग अगर कोई बंडल आप लोग पहने हुए हैं तो आप लोग कोई दूसरा बंडल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ये आप लोग इन गेम और लॉबी में भी कर सकते हो। और ये किस टाइप का देखने को मिलने वाला है आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। बाकी इस ये जो इमोट अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ, पूरी तरह से रेडी होगा तो इसमें पता चलेगा भाई किस टाइप का ये इमोट रहने वाला, इसका एनिमेशन किस टाइप का रहने वाला। मेरे भाई, बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ और अगला जो अपडेट निकल के आता है हमारा फिस्ट स्किन का जो इमोट होता है, इसमें OB34 अपडेट के बाद चेंजेस देखने को मिलने वाला है। और फिस्ट स्किन का जो इमोट होता है आप लोग देख सकते हो किस टाइप का देखने को मिलने वाला। अब जो OB34 अपडेट के बाद आप सबको जो फिस्ट स्किन का जो इमोट देखने को मिलने वाला जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो किस टाइप का देखने को मिलने वाला, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग पुराना वाला फिस्ट स्किन का इमोट अच्छा लग रहा था या फिर ये वाला इमोट अच्छा लग रहा है। सो गाइस यार, बढ़ते हमारे अगले अपडेट की तरफ और अगला जो अपडेट निकल के आता है वो OB34 से रिलेटेड देखने को आता है। और यहाँ पे आज जो अपडेट है भाई, आप सबको पता होगा आप लोग कस्टम HUD में जितने भी सारे सेटिंग्स होते हैं सभी को जाकर चेंज कर सकते हो, बट हमारा जो मैप का जो सेक्शन था उसको आप लोग कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, जहाँ पे वो रहता था वहीं पे रहता था। बट OB34 अपडेट के बाद हमारा जो मैप का जो आइकन होता है उसको भी आप लोग इधर से उधर मतलब कि चेंज कर सकते हो, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया अपडेट है। आप लोगों को ये अपडेट अच्छा लगा या नहीं ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, बढ़ते हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आता है जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो, रैंक रिवर्स का जो आइकन है वो OB34 के बाद सभी चीज़ें चेंज होने वाला है। और इसमें जितने भी सारे चीज़ें होती भाई हमारा रैंक रिवॉर्ड्स में डायमंड, ग्रैंड मास्टर, मास्टर सभी चीज़ें आप सभी को कुछ इस टाइप का देखने को मिल सकता है जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। और भाई लोग, आप सभी को पता होगा जब भी OB अपडेट हम सभी को देखने को मिलता है तो ग्रेन वाले बहुत सारे चेंज हमेशा चेंज कर देते रहते, कुछ लोगों को पसंद आता कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा रैंक रिवॉर्ड्स का जो आइकन होता है वो सभी चीज़ें अब OB अपडेट के बाद कुछ इस टाइप का चेंजेस देखने को मिलने वाला जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। और भाई लोग, इसमें आप सभी को एक न्यू बंडल देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग देख सकते हो। और ये जो बंडल भाई मे भी हो सकता है आपसे को रैंक रिवर्स में एक्सचेंज के तौर पर देखने को मिल सकता है। सो फाइनल गाइस यार, बात कर लेते हैं हमारे पोकर MP40 के रिटर्न कन्फर्म डेट के बारे में। और गाइस, हमारा जो पोकर MP40 जब रिटर्न में देखने को मिला था इंक्यूबेटर में, तो इसमें एक न्यू गन को ऐड किया गया था जो कि था रॉयल प्लस। और गाइस, जब ये इंक्यूबेटर रिटर्न आएगा तो इसमें आपसे को रॉयल प्लस भी देखने को मिलने वाला, और साथ ही इसमें आपसे कोई भी ग्लिच देखने को नहीं मिला जैसे कि हमसे को लास्ट टाइम देखने को मिला था। तो भाई हर इवेंट में हमसे को ग्लिच देखने को नहीं मिलता। सो गाइस, बात कर लेते हैं कि पोकर MP40 आपसे को इंडियन सर्वर में कब तक रिटर्न में देखने को मिलने वाला। तो गाइस, पोकर MP40 एक दो सर्वर में इसको रिटर्न में दिया गया, कुछ सर्वर में इसको स्पेशल रोल में दिया गया और कुछ सर्वर में इसको इंक्यूबेटर में दे दिया गया। हमारा जो पोकर MP40 आपसे को इंडियन सर्वर में बहुत जल्द देखने को मिलने वाला, इससे पहले आपसे को एक दो इंक्यूबेटर जो कि भाई बचे हुए जो कि इंडियन सर्वर में आना बाकी है, एक हो गया हमारा स्पाइकी स्पिन्स का इंक्यूबेटर और एक ये इंक्यूबेटर जो कि भाई इंडियन सर्वर में अभी आना बाकी है, इससे पहले आपसे को पोकर MP40 से ये दोनों इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमारा जो पोकर MP40 आपसे को इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकता है।
और अगर बात करें इसके पॉसिबल डेट के बारे में तो आप सबको अक्टूबर मंथ में देखने को मिल सकता है। बता दे रहा कि ये आप सबको अक्टूबर मंथ में देखने को मिल सकता है और हो सकता है ये आप सबको पहले भी देखने को मिल जाए और बाद में भी। सो गाइस आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करते हुए जाना और चैनल पर नया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल होगा उसको जरूर पे ऑल पे जरूर से सेट कर लेना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।